नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। झालावाड़ जिले की उन्हेल पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगल से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को उन्हेल थाना क्षेत्र के हजारिया गांव में बिजली के तार को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई थी, जिसमें लक्ष्मी नारायण और उसके लड़के आकाश कंजर ने रघुवीर कंजर पर देसी कट्टे से फायर कर दिया था, जिसमें रघुवीर गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, परंतु दोनों ही पुलिस की पकड़ से दूर रहे। जिला पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से देखते हुए आकाश कंजर पर 3,000 रुपए का इनाम घोषित किया और थाने के टॉप 10 अपराधियों में शामिल किया। उन्हेल पुलिस ने थानाधिकारी भंवर सिंह अगुवाई में आरोपी आकाश कंजर को अपने ही गांव के समीप जंगल से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं इसका पिता लक्ष्मी नारायण अभी फरार है, जिसे पुलिस ढूंढ रही है। उन्हेल से सुरेश सिंह की रिपोर्ट। जिस युवक की आज गिरफ्तारी हुई है, इस युवक के खिलाफ 19/4/2020 को रघुवीर कंजर निवासी डेरा कंजरान हजड़िया थाना उन्हेल के पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें उसने पर्चा बयान में बताया था कि आकाश कंजर और उसके पिता लक्ष्मी नारायण उर्फ लच्छू कंजर ने दिन के समय जब वो विद्युत लाइन की जो तार उनके घरों पर कनेक्शन जा रहा था, उसको उसने कंजर लच्छू कंजर आकाश कंजर ने उठा के नीचे डाल दिया था, जिसको लगाते समय रघुवीर कंजर पे इन्होंने जानलेवा हमला कर दिया। लच्छू कंजर ने उस पर फायर किया था। इसने आकाश कंजर ने उसको चिल्लाते हुए उसके पिताजी लच्छू से कहा था कि मार साले को गोली मार। ये घटना के बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। द्वारा 307 प्राण घातक हमले का मुकदमा दर्ज होकर अनुसंधान चल रहा था। लच्छू और उसका लड़का आकाश उसी दिन से फरार चल रहे थे, जिनको कई बार मेरे जाब्ता के द्वारा डेरे में इनके जो वहाँ पे जंगल है वहाँ कई बार तलाश की, लेकिन ये वहाँ बर्डे हैं, जंगल है, उसकी आड़ में ये कई बार छिप जाते थे, इस कारण से गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। पुलिस अधीक्षक महोदय ने आकाश कंजर के विरुद्ध 3,000 रुपये का इनाम घोषित किया था और इसको हम सरगर्मी से तलाश कर रहे थे, आज हमने दबिश देके। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।